खबर है कि कौन 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 से नेताओं के टिकट कटे हैं, इस पर एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है, वो जरा मैं अपने दर्शकों को बता रहा हूं। अभिनेत्री नुसरत जहां का टिकट कटा है, ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। बशीरहाट से हाजी नूरुल इस्लाम को टिकट दिया गया है उनकी जगह पर, ये अपडेट हम आपको दे रहे हैं। नुसरत जहां का टिकट कट गया है और उनके जगह पर हाजी नूरुल इस्लाम को टिकट बशीरहाट से मिला है। मनोज्ञा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनके पास लिए चलेंगे। और बैरकपुर से अर्जुन सिंह को टिकट मिला है, मंत्री पार्थ भौमिक इन लोगों को टिकट मिला है। मनोज्ञा, नुसरत जहां के टिकट कटने के पीछे की कहानी क्या है, क्या कारण रहा? संदेश खाली वही इलाका है जहां पर इस समय पिछले एक महीने से, दो महीने से अगर मैं कहूं कि लगातार ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। और आज खुद बीजेपी का डेलीगेशन संदेश खाली में कोर्ट ऑर्डर के बाद वहां प्रदर्शन कर रहा है, जिसमें बीजेपी के राज्य के अध्यक्ष और सांसद सुकांतो मजूमदार और उनके साथ शुभेंदु अधिकारी दोनों शामिल है। ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि संदेश खाली ने पूरे देश में तृणमूल कांग्रेस की सरकार पर सवालिया निशान खड़े करवा दिए गए थे और उसके साथ साथ गठबंधन के भी लोगों ने इस पर विरोध किया था। दिलचस्प इसलिए हो जाता है क्योंकि नुसरत जहान को 2019 में टिकट दिया गया था, हालांकि हाजी नजरुल इस्लाम उसके पहले भी 2014 में वहां से सांसद रहे हैं, लेकिन अब दोबारा उन्हें टिकट दिया जाना तो पार्टी को ये पता है कि वहां कोई बड़ा चेहरा नहीं उतारेंगे, लेकिन संगठन का ही एक बड़ा चेहरा उतार देंगे, जिससे कॉन्ट्रोवर्सी से सधे हुए इस इलाके को थोड़ा सा दूर रखा जा सके कुछ दिनों के लिए। हालांकि दिलचस्प होगा देखना कि बीजेपी किसे मैदान में उतारती है, उसके बाद ही पता लगेगा कि यहां लड़ाई कितनी तगड़ी है। अर्जुन सिंह को टिकट नहीं मिली है तृणमूल कांग्रेस की ओर से, जो कि आप बता रहे थे। और तीसरी बात कि एक बार फिर शत्रुघ्न सिन्हा, जिन्होंने बाईपोल जीतकर इतिहास रचा था, 3 लाख से ज्यादा वोट से जीते थे आसनसोल में, तो वहीं साथ ही साथ कीर्ति आजाद को दुर्गापुर से टिकट दे देना, कई ऐसे नए नाम भी शामिल कर दिए गए हैं। और बॉलीवुड और टॉलीवुड और क्रिकेट का सहारा इस बार फिर से ममता बनर्जी ने बखूबी लिया है। हालांकि अभिषेक बनर्जी डायमंड हार्बर से फिर एक बार चुनावी मैदान में होंगे, जिसकी घोषणा आज 42 उम्मीदवारों के साथ हो गई है। आप एक बात ध्यान रखिए कि हमेशा इस लिस्ट को पार्टी दफ्तर से या ममता बनर्जी के घर से रिलीज किया जाता था, लेकिन आज इसे ब्रिगेड परेड ग्राउंड से रिलीज करना, 10 मार्च को रिलीज करना, ये दो महत्वपूर्ण बात पूरी जनता को बता देता है। जहां पर लाखों की भीड़ में ममता बनर्जी रैंप वॉक करते हुए अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारती हैं, तो कई से कद्दावर नेताओं को भी टिकट देती हैं और उनकी टिकट काट भी देती हैं। ये बात तो तय है कि तृणमूल कांग्रेस में सबसे बड़ा चेहरा अगर कोई है तो ममता बनर्जी। और इस समय अगर सबसे मजेदार चुनाव या फिर सबसे ज्यादा नजर में आने वाला चुनाव अगर कहीं है तो पश्चिम बंगाल में, जहां दीदी बनाम दादा, आज सीधा उन्होंने वार किया मोदी की गारंटी को लेकर और ये कहा कि मोदी की गारंटी इज जीरो वारंटी। तो इस तरह की बातें कहना, ब्रिगेड परेड ग्राउंड में लाखों लोगों को संबोधित करना और इस तरह से अपनी लिस्ट रिलीज करना, ये थोड़ा बहुत तब्दीली दिखा रहा है टीएमसी की रणनीति में भी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।